गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि उस चार्ज को, किसी भी गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सलरेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड। ठीक है, तो वैसे ही बेटा जब वो जो वर्क होता है वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की में मेजरमेंट करता है। जब एक चार्ज को लेके आने में जो वर्क होगा, फिर दूसरे को लेके आएंगे, दूसरे के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, तीसरे चार्ज को लेके आएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा। और उस तरह से पूरे सिस्टम को असेंबल करने के लिए उनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही वर्क क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज टू दियर रेस्पेक्टिव पोजिशंस फ्रॉम इन्फाइनेटली लार्ज सेपरेशंस। इन्फाइनेटली लार्ज सेपरेशन का मतलब था कि एक दूसरे की इन्फ्लुएंस से वो दूर होते हैं। ठीक है, उसको हम इन्फाइनाइट मानते हैं कि एक दूसरे की फील्ड से वो दूर है। क्लियर, तो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी कितना वर्क करना पड़ेगा उन सभी चार्जेस को लेके आने के लिए, तो वही होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले करते हैं बेटा हम एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, मतलब एक सिस्टम जिसमें सिर्फ दो ही पॉइंट चार्जेस हैं उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी इसी को हम एक्सटेंड करते हैं फिर एन पॉइंट चार्जेस के लिए। तो सपोज करो हमने ये पॉइंट है पी वन है बेटा, इस पे हमने प्लस क्यू वन चार्ज लेके आना है, और फिर पी टू पे कहाँ लेके, कौन सा चार्ज लेके आना है, क्यू टू। और पी वन की जो पोजीशन है वो आर वन है, मतलब ओरिजिन से हमने यहाँ शो नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये है, ये पॉइंट पी वन है। ठीक है, तो ये ओरिजिन से ये जो ये दूरी होगी इसको क्या बोलते हैं, आर वन। तो पी वन आर वन लिखते हैं, मतलब इसकी पोजिशन आप ये है आर वन पोजिशन पे ही, और इस पॉइंट के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आना, क्यू वन। तो हमने ये शो किया यहाँ पर, मतलब अभी हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिखाया, सिर्फ ये बताया कि ये पी वन पे जिसकी पोजीशन कितने आर वन, यहाँ पर कौन सा चार्ज लेके आना है, क्यू वन। और कहाँ से लेके आएंगे बेटा, इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशंस। ठीक है, और पी टू पे कौन सा चार्ज लेके आना है बेटा, हमने क्यू टू फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशन। अभी सपोज करो अभी क्यू वन भी कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और क्यू टू भी कहाँ है, अभी इन्फिनिटी पे है, मतलब क्यू वन ये मान लो इन्फिनिटी है, यहाँ पर Q1 है और इधर Q2 है, मतलब इन और आपस में भी बहुत दूर है। अब Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आना है पोजिशन P1 पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो बेटा वर्क तब करना पड़ता है जब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, बाकी सारे जो हम फिलहाल टू पॉइंट चार्जेस के लिए कर रहे हैं, तो बाकी चार्जेस कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो Q1 को किसके अगेंस्ट वर्क करें, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी इलेक्ट्रिक फोर्स, तो किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब वर्क ही नहीं करना पड़ेगा बेटा, तो किस तो उसमें क्या स्टोर हो, कुछ भी स्टोर, तो वर्क डन कितना आएगा यहाँ पर, जीरो। क्लियर हो गया, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 टू पोजिशन P1 नो वर्क इज डन बिकॉज देर इज नो फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज एज दे आर एट इन्फिनिटी, बिकॉज अदर चार्जेज आर कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे। तो W1 कितना करना पड़ेगा बेटा, जीरो। क्लियर हो गया, अब मान लो अब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लेके आना है, तो हमें जो अब ये चार्ज है, अब यहाँ पे कोई अब किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर, उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क पढ़ा है हमने, वर्क डन पढ़ा है ना हमने, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। अब जो भी पॉइंट जनरल पॉइंट मान लो P2 है, अपॉन पर यूनिट चार्ज Q2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, कौन सा पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P2, पोटेंशियल एट P2 पढ़ा ना हमने, या फिर आपने ये हमने उस टाइम B पॉइंट लिया था, यहाँ पे यूनिट चार्ज था और यहाँ पर क्या आया था, VB आया था। तो मतलब जो वर्डन होता है वो Q को उधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये इंटू Q, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज, जिस चार्ज को हमने लेके आना है। तो यहाँ पर कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं बेटा, हम Q2 को। तो अब ध्यान देना है, पहले तो हमें चाहिए पोटेंशियल। अब ये Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज के कारण P2 के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, V इज इक्वल टू वही फार्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, क्योंकि चार्ज किस Q1 है, Q1 के कारण यहां पर पोटेंशियल, Q1 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना मान ले, क्योंकि R1 R2 के बीच का, तो इसको R12 मान लेंगे बेटा, कितना गई है
R1 2। अब हमें पोटेंशियल पता चल गया P2 के ऊपर, तो Q2 को कितना वर्क करना पड़ेगा, फार्मूला वही है, वर्क डन W2, मतलब वर्क डन 2 लिख सकते हैं आप यहां पर। देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 टू पोजीशन P2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है, 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इनटू चार्ज, किसको लेके आ रहे हैं हम, Q2 को इनटू Q2। तो अभी आ गया बेटा वर्क डन W2। अब इन दोनों चार्जेस को टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, W1 प्लस W2। अभी प्लान दो पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज, इनके लिए, इन्हीं के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो W इज इक्वल W वन प्लस W टू इज इक्वल, W वन तो जीरो ही है, तो W टू ही आया बेटा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। क्लियर। और यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज। तो हम इसको U लिख देते हैं, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है बेटा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज, U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। क्लियर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस।